हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने असहयोग आंदोलन चैप्टर की शुरुआत की थी और इसमें हमने देखा था कि लोकमान्य तिलक जी के निधन के बाद 1920 ईस्वी में गांधी युग का प्रारंभ हुआ और इसमें गांधी जी ने कई सारे सत्याग्रह किए, जैसे कि 1917 ईस्वी में गांधी जी ने बिहार में चंपारण में सत्याग्रह किया था। 1918 ईस्वी में गुजरात में खेड़ा जिले में स्थानीय किसानों ने लगान बंदी आंदोलन प्रारंभ किया था, तो उसमें जो है गांधी जी ने अपनी व्यापक भूमिका निभाई थी। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में रौलत एक्ट कानून का विरोध दर्शाने के लिए देशव्यापी हड़ताल का आह्वान गांधी जी ने किया था। इसके बाद हमने देखा था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो घटी, उसमें भी गांधी जी सम्मिलित थे। इसके बाद हमने देखा असहयोग आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ जिसमें गांधी जी ने एक अहम भूमिका, प्रमुख भूमिका निभाई। 1922 ईस्वी में हमने देखा कि चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, आज जो है हम उसके आगे देखेंगे स्वराज्य पार्टी। अब स्वराज पार्टी क्या थी? राष्ट्रीय कांग्रेस के चित्रंजन दास मोती नेहरू ने सरकार को घेरने के लिए विधानमंडल में प्रवेश पाने का विचार रखा। 1922 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई। तब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई? तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत की गई। 1923 ईस्वी में हुए चुनाव में केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में स्वराज्य पार्टी के अनेक प्रत्याशी चुनकर आए। जब 1923 में चुनाव हुआ तो यहाँ पर केंद्रीय अर्थात केंद्र की ओर से और प्रांतीय अर्थात प्रांत के अलग अलग क्षेत्रों से कई सारे लोग जो है चुनकर स्वराज्य पार्टी में गए। उन्हें मुख्यतः मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवी, लाला लाजपत राय, नजी केलकर का समावेश था। तो यहाँ पर हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि 1923 ईस्वी में हुए चुनाव में केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में किनका समावेश था? तो इसमें मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवी, लाला लाजपत राय, नचिकेतन का समावेश था। जब देश में राजनीतिक आंदोलन ठंडा पड़ गया था तब स्वराज्य पार्टी के विधान परिषदों अर्थात मंडल में संघर्ष किया। उन्होंने विधान परिषदों में सरकार की अन्यायकारक नीतियों का प्रखर विरोध किया। जब देश में राजनीतिक आंदोलन एकदम शांत हो गया था तो यहाँ पर स्वराज्य पार्टी जो है आगे बढ़कर उसने अपना जो कार्य है संघर्षमय कार्य किया। जैसे कि पहला कार्य उसने किया कि जो अन्यायकारक सरकार की अन्यायकारक नीतियाँ थी उन नीतियों को का उन्होंने विरोध प्रारंभ किया। भारत में आगामी समय में उत्तरदायी सरकार पद्धति देने की मांग की। भारतीयों के समस्याओं को हल करने के लिए गोलमेज परिषद बुलाई गई। राजनीतिक बंदियों को रिहा करें अर्थात जिन्हें राजनीतिक मामलों के कारण उन्हें बंदी बना लिया गया है तो उन्हें रिहा करें, इसके लिए विधान परिषद अर्थात मंडल में प्रस्ताव समस्त करवा लिए। सरकार ने स्वराज्य पार्टी के अधिकांश प्रस्ताव निरस्त कर दिए अर्थात रद्द कर दिए। तो यहाँ पर उसने स्वराज्य पार्टी ने आगे बढ़कर अनेक कार्य किया। स्वराज्य पार्टी अर्थात सेल्फ गवर्नमेंट, खुद का स्वयं का राज्य, उसे कहते हैं स्वराज्य पार्टी। तो इस तरह से स्वराज्य पार्टी ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, किंतु सरकार ने
जो है इनकी मांगों को, कई सारी मांगों को उन्होंने रद्द कर दिया और वहाँ से जो है इन्हें कई सारे प्रस्ताव को भी उन्हें वे रद्द करते गए। अब अगला हमारा देखेंगे हम साइमन कमीशन, कि साइमन कमीशन क्या है। 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून द्वारा किए गए सुधार असंतोषजनक थे, अतः भारतीय जनता ने में असंतोष व्यापक था। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जनता में असंतोष व्याप्त था, क्यों व्याप्त था? उसका आंसर हमको मिलता है कि 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून बनाया गया था, कानून द्वारा किए गए सुधार असंतोषजनक थे, अर्थात भारतीयों को अमान्य थे, इसलिए भारतीय जनता में असंतोष व्याप्त था, अर्थात उनमें असंतोष भरा हुआ था। इस पृष्ठभूमि में अंग्रेज सरकार ने 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि किसकी अध्यक्षता में कमीशन नियुक्त किया गया था, तो यहाँ पे आंसर हमको मिलता है सर जॉन साइमन, अर्थात ये अंग्रेजी सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन उन्होंने नियुक्त किया था। इस कमीशन में 7 सदस्य थे। ये जो कमीशन बनाई गई थी इसमें प्रमुखतः 7 सदस्य थे। सदस्यों में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। परिणाम स्वरूप भारतीयों ने, राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय किया। इसलिए उन्होंने नारे लगाने शुरू किए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। यहाँ पे हमारा कारण लिखो के लिए प्रश्न बनता है कि भारत के राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय किया। तो उसका पहला कारण था कि 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा किए गए सुधार असंतोषजनक थे, अतः भारतीय जनता में असंतोष व्याप्त था। दूसरा पॉइंट है, इस पृष्ठभूमि में अंग्रेज सरकार ने 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाई थी, एक कमीशन नियुक्त किया था। थर्ड पॉइंट, इस कमीशन में 7 सदस्य थे, परंतु इन सदस्यों में से एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। लास्ट में हम लिख देंगे, परिणाम स्वरूप भारत के राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय किया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में आया। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बनता है कि साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। खालिस्तान के लिए भी आ सकता है। 1928 ईस्वी में खालिस्तान भारत में आया, तो हमको उत्तर क्या मिलता है? साइमन कमीशन भारत आया। यह कमीशन जहां जहां गया वहां वहां उनके विरुद्ध प्रदर्शन किए, अर्थात उनके अगेंस्ट में प्रदर्शन किए गए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे से प्रखर विरोध दर्शाया गया। तो साइमन कमीशन का विरोध किस नारे से दर्शाया गया? तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलता है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध में साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे से प्रखर विरोध दर्शाया गया। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाई गई। जो भी प्रदर्शनकारी थे, जो यहाँ पर साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे, उन सभी पर लाठियां चलाई गई। लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध लाला लाजपत राय ने नेतृत्व में प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध में किसने नेतृत्व किया? तो हमें उत्तर मिलता है लाला लाजपत राय। कहाँ किया? लाहौर में। तो लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध लाला लाजपत राय
के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चलाई। उद्दंड पुलिस अधिकारी सैंड्रस ने लाला जी की छाती पर लाठी से प्रहार किए। इस हमले के बाद की निंदा भत्सना सभा में लाला जी ने कहा, लाठी की प्रत्येक चोट के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर एक एक किले ठोकी जा रही हैं। कालांतर में कुछ ही दिनों में लाला जी का निधन हो गया और उसके बाद उनका निधन हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक प्रश्न बनता है कि हमले की निंदा करते हुए लाला जी ने क्या कहा। तो हमले की निंदा करते हुए लाला जी ने कहा कि लाठी की प्रत्येक चोट के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर एक एक कील ठोकी जा रही है। अर्थात यही जो है अंग्रेजी सत्ता को कमजोर बनाएगी। इसके बाद हम अगला देखेंगे नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट प्रतिवेदन क्या था? तो नेहरू रिपोर्ट प्रतिवेदन, नेहरू प्रतिवेदन उसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। तो भारतीयों ने कि सभी नेता मिलकर सर्वसहमति से संविधान बना नहीं सकते। इस प्रकार की आलोचना भारतीय बर्कन हेड ने की थी। तो भारतीय भारत मंत्री बर्कन हेड ने क्या आलोचना की थी? तो भारत मंत्री बर्कन हेड ने यह आलोचना की थी कि भारत के सभी नेता मिलकर सर्वसम्मति, मतलब सबकी सहमति से, सर्वसहमति से संविधान बना नहीं सकेंगे। यह इस प्रकार की आलोचना बर्कन हेड ने की थी। इस चुनौती को स्वीकार कर सर्वदलीय सम्मति समिति स्थापित की गई। तो सर्वदलीय समिति क्यों स्थापित की गई? यहाँ पे हमें उत्तर मिलता है कि भारत के सभी नेता मिलकर सर्वसहमति से संविधान बना नहीं सकते। इस प्रकार की आलोचना भारतीय बर्कन हेड ने, भारत मंत्री बर्कन हेड ने की थी। इस चुनौती को स्वीकार कर सर्वदलीय सहमति समिति स्थापित की गई थी और इस समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था बनता हमारा कि नेहरू प्रतिवेदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू प्रतिवेदन समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। भारत में स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार स्थापित करे, वयस्क मतदान पद्धति लागू करे, भारतीयों को नागरिकों के मौलिक अधिकार दे, अर्थात उनके जो प्रमुख अधिकार हैं वह दे, भाषा वर प्रांत रचना करे, जैसे प्रस्ताव इस प्रतिवेदन में थे और इस प्रतिवेदन को नेहरू प्रतिवेदन कहते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा प्रश्न बनता है कि नेहरू प्रतिवेदन किसे कहते हैं? तो भारत में स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार स्थापित करे, वयस्क मतदान पद्धति लागू करे, भारतीयों को नागरिकों के मौलिक अधिकार दे, भाषा वर प्रांत रचना करे, जैसे प्रस्ताव नेहरू प्रतिवेदन में थे और इस प्रतिवेदन को, इस रिपोर्ट को ही नेहरू प्रतिवेदन कहते हैं। 1929 ईस्वी के अंत तक सरकार ने नेहरू प्रतिवेदन को नहीं स्वीकारा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दी गई। इस पृष्ठभूमि में 1929 ईस्वी के दिसंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में अधिवेशन हुआ और वह एक ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। अर्थात
उसी में नेहरू प्रतिवेदन को मान्यता मिली। तो इस तरह से नेहरू प्रतिवेदन जो था वह सफल हुआ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नेहरू प्रतिवेदन के विषय में जानकारी दीजिए। तो नेहरू प्रतिवेदन के विषय में जानकारी हम यहीं से लिखेंगे कि यहाँ पर भारत के सभी नेता मिलकर सहमति से संविधान नहीं बना सकते हैं, इस प्रकार की आलोचना भारत मंत्री बर्कनहेड ने की थी। दूसरा पॉइंट, इनकी चुनौती को स्वीकार कर सर्वदलीय समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। फिर बाद में हम ये लिख देंगे कि भारत के स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार स्थापित करे, वयस्क मतदान पद्धति लागू करे, भारतीयों को नागरिकों के मौलिक अधिकार दे, भाषावर प्रांत रचना करे, जैसे प्रस्ताव इस प्रतिवेदन में थे। और इसी को, इस प्रतिवेदन को नेहरू प्रतिवेदन कहते हैं। अब हम अगला देखेंगे, पूर्ण स्वाधीनता की मांग, कि किस तरह से पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार, यह अब तक राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था, अर्थात अपना देश जो है वह स्वतंत्र हो, यही राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या उद्देश्य था। तो यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या उद्देश्य था, स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार, यह राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रमुख उद्देश्य था, जो अनेक युवा कार्यकर्ताओं को मान्य नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने वाले युवाओं के नेता थे। तो यहाँ पे पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने वाले युवाओं के नेता कौन थे, तो हमें उत्तर मिलता है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये जो पूर्ण स्वाधीनता, अर्थात पूरी तरह से अंग्रेजी सत्ता का अधिकार जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारा भारत देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, ऐसे युवाओं के नेता जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी थे। इस युवा वर्ग के प्रभाव स्वरूप राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया, तो हमें उत्तर मिलता है कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय सभा के स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार का उद्दिष्ट त्याग, अर्थात उद्दिष्ट त्याग दिया, मतलब जो इस प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय सभा ने स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार का उद्दिष्ट त्याग दिया, उनका उसे अमान्य कर दिया। इसके भारत की संपूर्ण स्वाधीनता ही राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनी। अब लोगों ने जो है, जो नेता थे, जब सरकार ने अमान्य कर दिया तो जो नेता थे उन्होंने संपूर्ण स्वाधीनता को ही अपना राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बना लिया कि अब जो है हमारा देश संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। अब यहाँ पे एक हमारा कारण लिखो के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की संपूर्ण स्वाधीनता ही राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बना, कारण लिखो। तो यहाँ पर कारण में यह हम बताएंगे कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा पॉइंट, इस प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय सभा के स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार का उद्दिष्ट त्याग दिया गया। इसके बाद ही भारत की संपूर्ण स्वाधीनता की ही राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बना। तो इस तरह से हम उसका उत्तर लिख देंगे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा लहराया। तो यहाँ पे
एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा तिरंगा कब और कहाँ लहराया या फहराया। तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। और 26 जनवरी यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए ऐसा निश्चय किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि झंडा फहराते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या निश्चय किया। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराते हुए यह निश्चय किया कि 26 जनवरी यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए ऐसा उन्होंने निश्चय किया था। अंग्रेजी सत्ता से भारत को मुक्त करने के लिए स्वतंत्रता युद्ध को अहिंसक मार्ग से चलाने की प्रतिज्ञा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे देश में ली गई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को कौन सी प्रतिज्ञा ली गई। तो अंग्रेजी सत्ता से भारत को मुक्त करने के लिए स्वतंत्रता युद्ध को अहिंसक अर्थात हिंसा नहीं होना चाहिए अहिंसक मार्ग से चलाने की प्रतिज्ञा 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में ली गई। दूसरा भी एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि अंग्रेजी सत्ता से भारत को मुक्त करने के लिए स्वतंत्रता युद्ध को अहिंसक मार्ग से चलाने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा ली गई कब ली गई। तो यहाँ पे हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को ली गई। परिणाम तो पूरे देश में चेतना का वातावरण उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर एक हमारा कारण लिखो के लिए क्वेश्चन बनता है कि पूरे देश में चेतना का वातावरण उत्पन्न हुआ। तो हमें ये पूरा उत्तर लिखना होगा कि 21 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा लहराया। सेकंड पॉइंट, 26 जनवरी यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा ऐसा निश्चय किया गया। थर्ड पॉइंट, अंग्रेजी सत्ता से भारत को मुक्त करने के लिए स्वतंत्रता युद्ध को अहिंसक मार्ग से चलाने की प्रतिज्ञा 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में ली गई। और लास्ट में हम लिख देंगे परिणामतः पूरे देश में चेतना का वातावरण उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से हमने इस पाठ का अध्ययन किया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कुछ जो महत्वपूर्ण डेट हैं महत्वपूर्ण सन और घटनाएं वो आपको याद रखनी है। जैसे 1917 ईस्वी में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह किया। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में स्थानीय किसानों के लगानबंदी आंदोलन प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1919 में रौलट एक्ट कानून का विरोध दर्शाने के लिए देशव्यापी हड़ताल किया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की हत्याकांड की घटना घटित हुई। 1920 ईस्वी में लोकमान्य तिलक का निधन हुआ और गांधी युग का प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ भी 1920 में हुआ। 1922 में यहाँ पर दो घटनाएं घटित हुई। पहला, चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया और उसके बाद स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई 1922 में। 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई और साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए राजनीतिक दलों का निर्णय लिया गया। 31 दिसंबर 1929 को राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और संपूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और स्वतंत्रता का युद्ध अहिंसक मार्ग से लड़ने के लिए देश में प्रतिज्ञा ली गई। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं और सन आप सभी को याद रखनी है।